भी नहीं कर सकते हैं जो आप देते हैं। आप पैसे देते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, आप प्यार देते हैं, आपको प्यार मिलता है, आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। एक बार जब आप कुछ देना शुरू करते हैं तो ना केवल आपको वो वापस मिलना शुरू हो जाता है बल्कि उससे कहीं ज्यादा यूनिवर्स आपको देने की कोशिश करता है और ये हमेशा कहीं गुना ज्यादा रिटर्न देता है। ये नेचर का फिनोमेनल लॉ है। यस, जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यदि आप रिकॉर्ड भी रहे हैं तो आप इको फिनोमेनल को आप जो कुछ भी जोर से कहते हैं वो आपको कई बार वापस रिपीट में सुनाई देता है। जितना अधिक आप चिल्लाते हैं उतना ही ये वापस आपके पास आता है। यही लॉ है, फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। यदि आप कहते हैं आई वॉन्ट मनी तो नेचुरली यूनिवर्स आपसे कहेगा आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट मनी। ये इको रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि नेचर एंड यूनिवर्स का कद आपसे कहीं ज्यादा है। चिल्लाकर आप जीत नहीं सकते। जितना अधिक आप चाहते हैं उतना ही ये भी चाहता है। बट एक बार जब आप देना शुरू करते हैं तो ये आपको वापस देना शुरू कर देता है। जब आप कहना शुरू करते हैं आई वॉन्ट टू गिव तो ये मल्टीपल टाइम्स आपसे एक ही चीज कहेगा आई वॉन्ट टू गिव। जब आप चिल्लाते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूं तो ये शाउट बैक करेगा कि मैं ग्रेटफुल। आप केवल वही रीप करते हैं जो आप शो करते हैं। यदि आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करना भी अमैच्योरिश है। ये उम्मीद करना भी बहुत महत्वाकांक्षी है कि यूनिवर्स आपको सिर्फ इसलिए कुछ देगा क्योंकि आप इससे मांग रहे हैं। यदि आप नए काम के लिए कुछ रुपए भी नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम आप काइंड वर्ड्स, कंपैशन, अप्रिसिएशन तो छोड़ ही सकते हैं। अगर आप पैसे से किसी की जेब नहीं भर सकते हैं तो शायद आप किसी का दिल प्यार से तो भर ही सकते हैं। यूनिवर्स एंड नेचर को आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है। ये पैसे पर काम नहीं करता, ये खुद को लव और कंपैशन पर सस्टेन रखता है। यदि आप अपने हिस्से का काम करते हैं तो ये हमेशा अपना काम जरूर करता है। बाय गिविंग यू वर्थी ऑफ रिसीविंग। आपके लिए क्या अधिक इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहते हैं उसे बस ऐसे ही हासिल करना या आपको जो चाहिए उसे रिसीव करना? आपके पास क्या है इसके बारे में सावधान रहना या आपके पास क्या कमी है उसके बारे में चिंता करना? एक्ट ऑफ गिविंग आपको लाइट बनाता है। जब आप देते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। यदि यूनिवर्स आपको एज अ मीडियम टू गिव के रूप में चुनती है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको पहले उसे देना शुरू करना होगा और पेशेंस रखना सीखना होगा। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मैग्नेट बनना होगा। हनी बीज को अट्रैक्ट करने के लिए आपको फूल बनना होगा। रियलिटी में मैग्नेट बनिए और नेचुरली आप चीजों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले क्लैरिटी लाइए। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बो रहे हैं। यदि आप एक एप्पल सीड लगाते हैं तो आपके लिए एप्पल के पेड़ के अलावा किसी और चीज की एक्सपेक्टेशन करना अनुचित होगा। इसीलिए आप जो बीज बो रहे हैं उसके बारे में क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं तो सबसे पहले ये क्लैरिटी लाइए कि ये आपके लिए कैसा दिखता है और ये कैसा लगता है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि आप वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस भेज रहे हैं जबकि रियलिटी में आप लैक के बीज बो रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं कि आप किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लैक का बीज बो रहे होते हैं। अपने वर्ड्स को बोलने से पहले सोचें और अपने थॉट्स को ध्यान में रखें क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों में बहुत ज्यादा ताकत होती है और किसी भी प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स आपकी वाइब्रेशन में बदलाव कर सकते हैं जो ऑप्टिमिज्म और कंट्रोल की एनर्जी को दूर ले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिश करिए कि आप अपने शब्दों को अपनी इंटेंशंस में इस बात का ध्यान रखें कि वो एक ग्रेटफुल पर्पस के लिए हो। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दें। आप इसे जितना ज्यादा अटेंशन देंगे ये आपको उतना ही ज्यादा प्यार देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिल प्रमोशन पाने के लिए बेचैन है तो अपने आप को इस थॉट के लिए कमिटेड करें कि आपके पास पहले से ही प्रमोटेड है। ये विश्वास करें कि आप जो चाहते हैं वो ना केवल संभव है बल्कि आपका बर्थ राइट भी है।
आप रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं और जो आप चाहते हैं उसे आसानी से फ्लो होने देते हैं। ऑब्स्टेकल्स पर ध्यान केंद्रित करना या डिजायर मैनिफेस्ट होने में लगने वाले समय के बारे में चिंतित महसूस करना अनजाने में आपके एंटीसिपेटेड आउटकम्स को रोक सकता है। याद रखें, एनर्जी वही फ्लो होती है जहां इंटेंशन जाता है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे उसमें वाइब्रेशन बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर रहे हैं। यदि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन अनडिजायरेबल है तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लाइफ के किसी ना किसी हिस्से में नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हैं। टेंशन को रिलीज करना छोड़िए, इसे थोड़ा समय दें, रिसीव करने के लिए तैयार रहें। इसके बारे में इस तरह से सोचें कि जब आप केक बेक कर रहे हो तो आप सबसे पहले ये तय करते हैं कि आप किस तरह का केक बनाना चाहते हैं, फिर आप इंग्रेडिएंट्स को चुनते हैं और उन सभी को एक साथ रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन ये तब तक केक नहीं बनता जब तक आप इसे ओवन में नहीं रखते हैं। अब इस केक के एग्जांपल को आसानी से रियल लाइफ में अप्लाई करिए। केक को ओवन में सेकना कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ कि सही समय होने पर ही रेडी हो जाएगा। बस इसी तरह अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड अपनी परेशानियों को छोड़ दीजिए और गिविंग पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लें और रिलैक्स रहें। अपने आप को एक काम, अपलिफ्टेड और आत्मविश्वास से भरे स्थान पर रखें और बिलीव करें कि आप रेजिस्टेंस रिलीज कर रहे हैं। हर उस रेजिस्टेंस को रिलीज करिए जो आपको ग्रेटर पर्पस को अचीव करने से रोकता है, जो आपको दूसरों की भलाई करने से रोकता है और जो आपको यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए रोकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्स आपके शब्दों पर नहीं बल्कि आपके वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। उन चीजों के बारे में सोचें जिनका आप सपना देखते हैं और उन चीजों के बारे में बात करें जिससे आपको खुशी मिलती है और यूनिवर्स उसी के साथ उस वाइब से मिल खाए। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए और ध्यान दें कि कैसे अच्छा महसूस करना आपकी दुनिया में कई वंडरफुल गुडनेसेस को अट्रैक्ट करता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।